खबरों का कायदा आगाज करेंगे और शामिल करेंगे पाकिस्तान में से आप खबर। वादी नीलम आजाद कश्मीर की सैर और तफरी के लिए आए हुए क्वाइटा स्टेट टूरिस्ट हजरात वादी नीलम के लोगों के बारे में क्या ख्याल रखते हैं और वादी नीलम में क्या मुश्किल दरपेश है, इस इलाके की बेहतरी के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए, मजीद तफसीलात जानते हैं आजाद कश्मीर से हमारे नुमाइंदा रिजवान गुलमिहाज से। जी रिजवान अदा कीजिएगा। जी वादी नीलम आजाद कश्मीर की सैर व तफरी के लिए आए हुए क्वेटा से टूरिस्ट हजरात वादी नीलम के लोगों के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। टूरिस्ट हजरात से राय जानने के बाद ये मालूम हुआ कि उनको बुनियादी तौर पर रोड की सहूलियात नहीं है, जिसकी वजह से उनको काफी मुश्किल दरपेश है। टूरिस्ट हजरात काफी खुश थे कि इलाका बहुत ही खूबसूरत है, इलाका एक जन्नत नजीर है, इलाके के लोगों का अखलाक अच्छा है, इलाके के लोग नहायत ही मेहमान नवाज है, होटलों की बहुत अच्छी सफाई है और खाने पीने का इंतजाम बहुत अच्छा है, गाड़ियों वालों का किराए भी बहुत ही मुनासिब है। लिहाजा उन्होंने हुकूमत वक्त से यह मुतालबा किया कि रोड को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए ताकि गाड़ियों का आम दरफ्त में मजीद आसानी पैदा होनी चाहिए। हुकूमत वक्त को इस बारे में बेहतर से बेहतर इकदाम करने चाहिए। हैदराबाद से खबर शामिल करके जहां ए सेक्शन पुलिस का मोटरसाइकिल अपहरण गैंग से मुकाबला, एक मुल्जिम गिरफ्तार, मसरूक का मोटरसाइकिल और असलाह बरामद। एसएचओ इंस्पेक्टर नियाज अहमद की स्टाफ की हमराह कार्रवाई, दौरान पेट्रोलिंग पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि मोटरसाइकिल अपहरण गैंग के कारिंदे किसी बड़ी वारदात की नीयत से गुलशन सरमस्त रोड के करीब खड़े हैं, जिस पर पुलिस ने बरबस मौसूल होने वाली जगह पर छापा मारा जहां मौजूद मुल्जिमान और पुलिस के दरमियान मुकाबला पेश आया, जिसके नतीजे में एक मुल्जिम को असलम अहमद गिरफ्तार कर लिया जबकि मुल्जिम के दीगर तीन साथी अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार हो गए। तारीख के साथ तरबियत में रामी स्कूल एंड कॉलेज तहसील घर में अपना एक मुनफरिद मुकाम रखता है। रामी स्कूल एंड कॉलेज की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई जिसके मेहमान खसूसी सैयद गुलजार हुसैन शाह और रियाज अजाद ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले टीचर्स को शील्ड से नवाजा। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान ग्रामी सैयद गुलजार हुसैन शाह और राहुल रियाज अजाज का कहना था कि रामी स्कूल एंड कॉलेज तहसील रिनालापुर की एक मिसाली दर्जगाह है जिसमें तालीम के साथ बच्चों की तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी जाती है। इस दर्जगाह से फारिग तहसील तालबा और तालबात इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमाजात में आला ओहदों पर अपने फ़राइज अंजाम देकर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। चकवाल निजी टेलीविजन चैनल न्यूज के इश्तेहारात की बंदिश के खिलाफ मंगल के रोज 4 बजे तहसील प्रेस क्लब चकवाल के अहदेदारान और मेंबरान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क्यादत चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब चकवाल और डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर न्यूज चकवाल चौधरी इमरान कैसर और जनरल सेक्रेटरी नासिर महमूद अराई ने की। मुजाहरे में शुरुआत ने न्यूज टीवी चैनल के सरकारी इश्तेहारात की बंदिश का हुक्म फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहरे से खिताब करने वालों में नासिर महमूद अराई सीनियर वाइस चेयरमैन गाजी हिशाम खाली, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राजा शहजाद उमेर, ज्वाइंट सेक्रेटरी अजहर अब्बास और दीगर शामिल थे। शुरुआत न्यूज के इश्तेहारात की बंदिश का हुक्म वापस न लेने की सूरत में एहतजाज का दायरा कारी करने का हुक्म भी दे दिया। जी चकवाल में आज न्यूज़ के सरकारी अश्तराक की बंदिश और वजारत इतलात के गैर मुनासिब रवैया के खिलाफ तहसील प्रेस क्लब चकवाल के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर साफियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि न्यूज़ के जो सरकारी अश्तराक बंद किए गए हैं वो आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मैं ये हुकूमत को बावर करवाना चाहता हूँ कि ऐसी गिदड़ भपकियों से हम डरने वाले नहीं हैं और ये सहाफत पे जो हमला दर हमला कर रहे हैं इससे हमारी आवाज़ दब नहीं सकती। हम सच बोलेंगे, सच लिखेंगे और आवाम तक जो है वो सच पहुँचाएँगे जब तक हम में दम है।
तो ये जो एक नारवा सलूक हुकूमत कर रही है जर्नलिस्ट के साथ, जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ, कभी चैनल की बंदिश कर रही है, कभी चैनल पे जो है वो पाबंदियाँ लगा रही है, इश्तहारात बंद कर दिए हुए हैं, और ये इस तरह की चीज़ें कभी जो है वो अपने कवरेज से रोक रहे हैं, हमारी जो वो DSNG है वो वापस भेज रहे हैं, उनको किस चीज़ का डर है? मैं कहता हूँ कि अगर वो सच्चे हैं तो अगर सच ये चैनल दिखा रहा है, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, तो उनको इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, उनको सामना करना चाहिए। और ये आज़ादी सावत, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो है तीसरा सतून है जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, तो उसको ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनके लिए नुकसानदेह है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए और ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। जी, आपने सुना कि चकवाल के साफियों का हुकूमत से मुतालबा है कि न्यू न्यूज़ के अश्तरात को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और ये जो रियासती दहशत गर्दी की जा रही है इसका सिलसिला बंद किया जाए। जी, नजायज न्यूज़ से फिर इतना ही, मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए नजायज न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं।